उत्तर प्रदेश में योगीनी सीएम तरीके नी वरणी बाद हिंदू युवा वाहिनी ना सभ्यो आनंदित थई उठ्या छे अने तेमणे रामलीला नो मंदिर त्याज बनावानी वात करी हती। हिंदुत्वनी एकता अस्मिता ने जाळवानी तेमणे अधिकारीओ तथा नेताओं ने पण अपील करी हती। अत्रे उल्लेखनीय छे के हिंदू युवा वाहिनी नी शुरुआत योगी आदित्यनाथ द्वारा करवामां आवी हती अने तेथी तेमना अनुयायीओ हवे राम मंदिर बनावानी आशाओ सेवी रह्या छे। आ सपनुं केटला अंशे पूर्ण करी शकाय छे के नहीं ते हवे जोवू रह्यु। मारुं नाम नरेन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष हिंदू युवाओनी गुजरात प्रदेश। आज अमे अहीं रामनवमी निमित्ते बाइक रेलीनुं आयोजन कर्युं छे, जे रेली ऊधना दरवाजाथी निकळीने पांडेसरा रामजी मंदिर खाते जशे। उद्देश्य तो जे बधाने खबर जो हिंदू युवाओनुं के राम मंदिर, बीजुं शुं उद्देश्य? बीजुं शुं कहेवा मांगो? बीजुं कंई नहीं, हवे अमारुं राम मंदिर बनी जाय शांतिपूर्वक, बस आज इच्छा छे। यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी द्वारा रैली आयोजित की गई है रामनवमी जी के उपलक्ष में। ये रैली एक दर्शाती है कि एक हिंदुत्व की एकता क्या है, हिंदुत्व की अस्मिता क्या है और हिंदुत्व का परिचय क्या है। हिंदुत्व वो है जो आज एक हिंदुत्व की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक सवाल बनता जा रहा है। आज हिंदुत्व से लोग क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, और रामलला जी का मंदिर वहीं पर बनेगा जहाँ पर रामलला जी विराजमान है। रामलला जी के मंदिर के उद्घाटन में यहाँ से भारी संख्या में गुजरात से, पूरे देश से हिंदू युवा वाहिनी की सदस्य जितने भी रहेंगे कार सेवक के रूप में रामलला जी के मंदिर पर जाएंगे और हम मंदिर वहीं बनाएंगे। चाहे वहाँ पे कोई भी स्थिति रहेगी, सरकार को जो करना है वो करे। आप 2018 में आ रहे हो, आप कानून बनाइए, कोर्ट के द्वारा आए तो वो करिए, मगर रामलला का मंदिर हमको वहीं चाहिए। ये हिंदुत्व की अस्मिता से और हिंदुत्व के उससे सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।